आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। आज एकदम तो बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग है। सामने जो बिल्डिंग है वो वाली भी नहीं नज़र नहीं आ रही, रोड भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो हम लोग के सामने वाला रोड है सिर्फ वहाँ पे पोल पे लाइट चल रही है वो हल्की सी नज़र आ रही है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आज बहुत ज़्यादा 8 बजने वाला है और अभी ऐसा मौसम हो रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लग रहा है कि शिमला पहुँच गए हैं, इतनी ज़्यादा फॉग है। चलते हैं बंदर, ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर ठंड लग जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 9 बज के हैं तो ब्रेकफास्ट तो बना लिया है, अभी किया नहीं है, बस जा रहा है, डाइनिंग टेबल पर लग गया है। और अभी से इधर चाय बनाने के लिए आया है। आज देखो तुम्हारा पानी बॉयल हो गया है, दूध डाल दिए, और क्या डालोगे? अच्छा इसमें अदरक, अदरक कूटे हुए, अदरक वाली चाय बन रही है। अच्छा आज हमको चाय भी मिलेगी बंद करके, मैगी तो रोज मिल रही थी और आज चाय मिलेगी। हो गया बस बस। और अब क्या करोगे? बहुत फिर पट्टी डालेंगे क्या? फल जाएगा तब पट्टी डालेंगे। अच्छा उधर चाय तो आरिस बना रहा है, तो सबसे पहले हम लोग चाय चढ़ी हुई है अभी, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। क्या हुआ, ब्रेकफास्ट कर लिए? चाय बनाने आया हो? देखो तुम्हारी दूध तो तुम्हारा हो गया बॉयल, पानी और दूध। क्या कर रहे हो? दूसरे पकड़ देते हैं कि वो आ जाए, उठेगा ऊपर तब कर देंगे। अब 10 बजने वाला है और क्या मौसम हो रहा है, अभी तक धूप नहीं निकली है। थोड़ा थोड़ा सा कोहरा कम हुआ है, कोहरा कोहासा थोड़ा थोड़ा सा छटा है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। पर खैर धूप तो छोड़ ही दीजिए। और इधर ये लोग काम पर भी आ गए हैं, कुछ और काम हो रहा है आज तो। अभी यहाँ पे कैसी ठंडक है आरिस? ठंडक है। चलो अंदर, तुम टोपी भी नहीं पहने हुए, जैकेट ही वाला टोपी डाल लो सर पे। नहीं जैकेट है तुम्हारे जैकेट में पीछे टोपी, ऐसे करके डाल लो। इससे यहाँ से तो हवा जाएगी। तो चलो वो वाली दूसरी वाली पहन लो, उलन वाली डाल लेना। चलो अंदर चलो, अभी दोपहर के 2 बज के हैं तो अब जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, उसके बाद लंच करेंगे हम लोग। और 2 बजने को है लेकिन जरा भी धूप नहीं निकली है, जैसा सुबह मौसम था बस वैसे ही। हल्का सा फॉग कुछ कम हुआ है लेकिन बस वैसे ही, ठंडक भी उतनी ही है। और हम और आरिस तो नहा लिया लेकिन पापा आज नहीं नहाए, तो बहुत ठंडक है तो आज रहने दिए हैं वो तो। और कल 5 जनवरी है तो कल आरिस का स्कूल खुलेगा, आज लास्ट डे है उसकी छुट्टी का। तो कह तो रहा था कि कहीं लेके चलो, इस बार उसको एनर्जी पार्क भी नहीं घुमा पाए और इको पार्क न्यू ईयर्स में भी कहीं नहीं जा पाए, वो तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। तो आज लास्ट डे है तो कह रहा है कि चलो चल करके कहीं भी अगली बगल रेस्टोरेंट में, जो नया कैफे खुला उसमें तो हम और काशिप गए थे तो आरिस नहीं गया था, तो वहीं चलो या फिर कहीं भी, मतलब अगली बगल, ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, ठंड है, ऊपर से कोरोना इतना बढ़ गया तो अब तो निकलने में भी डर लग रहा है घर से बाहर। तो अब देखते हैं, अभी तो कुछ स्कूल से मैसेज नहीं आया है और क्या होता है, हो सकता है ठंड इतनी ज्यादा है और कोरोना भी बढ़ रहा है तो रात तक कोई स्कूल से कोई मैसेज आए, डीएम का कोई ऑर्डर आए, तो हो सकता है कि कल से स्कूल बंद हो। लेकिन फिलहाल तो वैसे है कि पहले से जो नोटिस आई हुई थी स्कूल से कि 5 जनवरी को इसका स्कूल खुल जाएगा, तो आज तो 4 हो चुका है, तो आज तो लास्ट डे है उसके इस छुट्टी का। अभी थोड़ी सी एकदम हल्की सी धूप नजर आई है, बस ये इतना सा सूरज नजर आ रहा है हल्का सा। आरिस यहाँ पर खेल रहे है, उसको बुला रहे, आओ आरिस ऊपर आओ। और अब जा रहे हैं बटीटो, हम लोग निकल गए, हम और आरिस ही जा रहे हैं। अतीफ को तो फीवर है और अभी धूप निकल गई है, अभी 3:30 हो रहा है तो धूप निकल गई है, मौसम कुछ बेहतर हुआ है। तो जा रहे, हल्ला कर रहा था आरिस। क्या स्कूल खुल जाएगा कल से? लास्ट बार, मतलब फिर टाइम नहीं मिलेगा रोज सुबह स्कूल जाना, फिर लेट से आना स्कूल से, तो और फिर कब कोरोना बढ़ रहा है तो कब लॉकडाउन हो जाए, तो फिर निकलना नहीं हो, तो इसीलिए इसको ले जा रहे हैं कि चलो खा लो। और अतीब को तो फीवर है तो वो तो जा नहीं सकता है,
तो इसीलिए और बगल ही में पास में ही है तो कुछ खिला करके ले आते हैं। चारिस अभी देख रहा है इसको क्या लेना है, क्या लेना है डिसाइड करो। वेज नूडल्स होगा क्या? है। अच्छा तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए तुम बोलो, तुमको जो चाहिए जो पसंद है बोलो, उसके बाद फिर वेज नूडल्स लोगे? वेज नूडल्स या चिकन नूडल्स? नहीं वेज ले लो। तो दे दिया ऑर्डर, आरिस के लिए एक नूडल्स दिया है और एक ओरियो शेक लिया और हम अपने लिए बस एक हॉट कॉफ़ी दिया और कुछ नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले लंच ही किया था तो पेट एकदम भरा हुआ है तो और कुछ नहीं। और कैफ़े एकदम खाली है, जैसा उस बार आए थे तो खाली खाली, तो अभी भी बिल्कुल खाली है, एकदम सन्नाटा हो रहा है। तो जल्दी से अभी तो हल्की धूप है, टाइम है, तो जल्दी से खाते हैं और शाम होने से पहले फिर घर निकलते क्योंकि फिर अकेले हैं ना हम लोग और फिर ठंड भी बढ़ जाएगी। और यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, ये जो है ना रेस कैफ़े जो है बटीटो बटीटो इसका जो डेकोरेशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है क्रिसमस ट्री, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक है क्रिसमस तो चला गया लेकिन अभी तक लगा हुआ है ये क्रिसमस ट्री और ये सब रखा हुआ है, बॉटल इस तरह से सजा हुआ है ना तो अच्छा लग रहा है देखने में। और क्रिसमस की वजह से थोड़ा और लगता है कि डेकोरेट किया गया है। उस दिन हम लोग आए थे तो भी तो था लेकिन ये सब स्टार नहीं लगा हुआ था, ये जो लगा हुआ है ना स्टार तो ये सब नहीं लगा हुआ था, ये सब लगता है क्रिसमस पे लगा है और बलून वलून नहीं लगा हुआ था। तो खैर देखने में तो ये बहुत खूबसूरत है। चाउमीन आ गया और इसका चाउमीन आ गया, खाओ। सॉस भी लोगे? ऐसे ही खाओगे? खाओ ऐसा है, बताओ खा के। गरम है अभी, ठीक से खाना, मुँह नहीं जला। थोड़ा सा ठंडा होने दो। तीता नहीं है ना? अच्छा है, टेस्टी है। ये आरिस का शेक भी आ गया, ओरियो शेक। चलो पियो। वाह कैसा है? मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मजा आ गया। अच्छा चलो भी आ गई, जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। अभी तो बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए फिर। अच्छा तो अभी आरिस को फ्रेंच फ्राई भी खानी है तो उसका भी ऑर्डर दिया है। अभी चाउमीन खाया उसमें से थोड़ा सा हम भी खाया और अभी ओरियो शेक पिया। मेरी कॉफ़ी तो अभी रखी हुई है कि ख़त्म नहीं हुई है, पी रहे हैं और एक फ्रेंच फ्राई दिया तो बस वो खाएँगे उसके बाद फिर निकल जाएंगे। पी लिए सारा? हाँ सब पी लिए, मजा आ गया। सारा बाप रे, इतना सारा कैसे खाओगे यार? बैग कर लेते हैं। इतना सारा है? 20 रुपए का फ्रूट। इतना सारा फ्रेंच फ्राई आ गया, कैसे खाओगे यार? खा पाओगे? खा लोगे?
खाओ खाओ, चलो जितना खाओगे खाओ। अब इतना सारा आ गया है तो मेरा तो ऑलरेडी पेट फुल था, अब खाना इतना लेट से खा करके खाना खाया तो अब फिर अब आ गए और अब कॉफ़ी पी लिया था, अब इतना छोटा चाउमिन भी खा ही लिया था आर एस के उसमें से 2-3 चम्मच और अब इतना सारा फ्रेंच फ्राई आ गया। देखते हैं जितना खा पाएगा खाएगा, नहीं तो बाकी पैक करा के फिर घर लेके चले जाएंगे। जितना नहीं खा पाया तो इसको बस पैक करवा ले रहे हैं। हाँ उसमें डाल के पैक कर दीजिए। लग ही रहा था इतना तुम ऑलरेडी चाउमिन खा लिए थे, उसके बाद तुम तो शेक पी लिए थे। हाँ वही हेवी हो गया था, पता नहीं तुम क्यों ले लिए इतना, फिर एक्स्ट्रा तुमको लगा कि तुम खा लोगे तो चलो कोई बात नहीं पैक करवा लिया। फिर ये वाली सीढ़ी आ गई, ये सीढ़ी से तो उतरना डर लग रहा है, आरिस को डर लग रहा है सीढ़ी पे, ध्यान से उतरना ये नहीं कि इस पर तो सही चकराने लगता है इस सीढ़ी पे। चाउमिन खाने में ओरियो शेक पीने में अच्छा था ना, टेस्ट भी यहाँ का भी अच्छा था, एकदम स्पाइसी नहीं था, थोड़ा भी तीखा नहीं था और अच्छा था और गर्म। हाँ और पास में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आ जाते हैं, हम और आरिस पैदल बस आ गए, बगल में 5 मिनट का बस वॉकिंग डिस्टेंस में 5 से 10 मिनट लगता है, 7-8 मिनट आराम से आ जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ अब घर जा रहे हैं जल्दी, अभी तो खैर आज शाम नहीं हुई है, अभी अभी है 10-15 मिनट सनसेट होने में। और अब शाम के 7:30 हो गए हैं तो वहाँ से आने के बाद फिर पापा को कॉफ़ी बना करके दे दिया, हम तो वहाँ कॉफ़ी पी लिया था और आरएस भी वहाँ ओरियो शेक पी लिया था तो फिर हम लोग को तो पीना नहीं था, और वहाँ फ्रेंच फ्राई इतना ज़्यादा खरीद लिया था ले लिया था, फिर खाया नहीं गया, चाउमिन खा लिया था, फिर थोड़ी देर पहले ही तो लंच किया था 1 घंटे पहले और चले गए थे, तो यहाँ आए तो फिर सैमा भी ऊपर आई तो फिर हम लोग सब मिल करके फ्रेंच फ्राई खाया और बस। और आरिस का स्कूल से मैसेज आ गया है कि अब कल से उसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, स्कूल बंद कर दिया गया है तो अभी तो फिलहाल 9 जनवरी तक बंद किया गया है। और आरिस कल तो तुम्हारा स्कूल बंद हो गया, शरारत करता था, मैं बड़ा हो गया तब भी शरारत करता हूं। तुम अभी भी शरारत करते हो, बच्चे में भी शरारत करते थे, तो कब सुधरोगे, कब शरारत कब कम होगी तुम्हारी। अच्छा बताओ स्कूल तो बंद हो गया तुम्हारा, स्कूल कैसा है तुमको, तो मजा हो गया हाँ ना क्या ना। अब फिर से वही ऑनलाइन क्लास, वही मस्ती, कुर्सी पे बैठे रहो, गोल गोल नाचते रहो, मिस उधर पढ़ा रही है उधर मजा कर रहे हो तुम। हाँ सही से पढ़ना, अभी 2 महीने के बाद स्कूल खुल जाएगा, 1 महीने के बाद फाइनल एग्जाम तुम्हारा स्कूल में ही जाके होगा। अभी से पढ़ाई करो, ये नहीं कि आराम से हो जाओ, क्या आप तो मेरा स्कूल बंद हो गया आप क्या। अब रात के 11 बज गए हैं और बस वहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा पेट में दर्द शुरू हो गया और वॉमिटिंग की तरह लगने लगा तो फिर हम सो गए आ करके, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं किया और बस जस्ट अभी उठे हैं, डिनर भी नहीं किया, करने का दिल भी नहीं कर रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये सुबह से व्लॉग स्टार्ट था तो सोचा चलो इसको एंड कर देते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।